Hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Dream Girl is a super hit at the Indian box office. लेकिन कल रात को मैंने कहा था कि मेरा prediction is 19 करोड़, लेकिन बालाजी भेजेगा 18 करोड़ and वो ही होता हुआ दिखाई दे रहा है. सुबह के 9 बज चुके हैं, जहां पर आधा से आधा क्या 75-80% बॉलीवुड सो रहा है एंड बालाजी जो कि जल्दी जल्दी सुबह उठ जाता है, अपने फिल्मों के कलेक्शंस अच्छे बच्चों की तरह फटाफट 9 बजे भेज देता है, उसने कलेक्शंस भेज दिए एंड ड्रीम गर्ल इज ऑन फायर. वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके फुटफॉल्स के साथ. पहले दिन इसे 7.13 लाख लोगों ने देखा था, दूसरे दिन इस फिल्म को 12.29 लाख लोगों ने देखा था, यानी कि 12.29 लाख पीपल सॉ ड्रीम गर्ल ऑन इट्स सेकेंड डे एंड संडे वॉज स्मैशिंग. लेट मी टेल यू, 14.02 लाख पीपल यानी कि 14.02 लाख लोगों ने ड्रीम गर्ल यानी कि पूजा यानी कि आयुष्मान खुराना की फिल्म को थिएटरों में देखा है. इसी के साथ ड्रीम गर्ल के जो 3 दिनों के फुटफॉल्स है गाइज, इट्स अ मैसिव 33.44 यानी कि 33.44 लाख लोगों ने ड्रीम गर्ल को 3 दिनों में देखा है. इसी कारण है इसके फुटफॉल्स की वजह से ये फिल्म अब एक सुपर हिट डिक्लेयर होने वाली है. हिट तो ये डिक्लेयर हो चुकी है एंड संडे का जो ऑफिशियल फिगर आया है वो है 18.10 करोड़ यानी कि 18.10 करोड़. आयुष्मान के करियर की बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं कोई आज बोलूंगा नहीं, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग एंड ओवर रिपोर्टिंग और फिल्म कलेक्शंस के बारे में एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है. ओवर रिपोर्टिंग तो सुना था, लेकिन फिल्म में कलेक्शन कम बताना ये पहली बार देख रहा हूं, और अगर ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर द ऑडियंस, क्योंकि गाइस ऑडियंस पेज द मनी एंड दे डिजर्व टू नो द रियल नंबर्स. लेकिन फिर भी गाइस 18.10 करोड़ ऑन एनी गिवन डे फॉर एन आयुष्मान खुराना फिल्म आदत डाल लो, क्योंकि आगे भी होने वाला है. वो दिन गए, अभी वो बोलना भी बंद कर दो कि ये स्टार ने इतना किया था, ये करेगा. अबे करना, ये लड़के लोग कर रहे हैं, अभी अप्रिशिएट करो. ये किया था करेगा, ये चैप्टर बंद हो चुका है. अभी ये जो कर रहे हैं उनको देखो, उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि गाइस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 44.57 करोड़ इस फिल्म ने 3 दिनों में कमाया है, 44.57 करोड़. एंड इसी के साथ ये आयुष्मान खुराना की हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड बन गई है. यस फ्रेंड्स, इससे पहले बधाई होने इसके वीकेंड में यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे में बधाई हो वो था दशहरा फिल्म, 4 दिन के वीकेंड में 45.70 करोड़ की कमाई की थी. वो फिल्म का लीग ही अलग था. इससे पहले आयुष्मान ने कभी भी वीकेंड में 20 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन दिया ही नहीं है. आर्टिकल 15 ने 3 दिनों में 20.04 करोड़ रुपए कमाए थे, उससे ज्यादा इस बंदे की फिल्म ने 3 दिन में किया नहीं. एंड ड्रीम गर्ल, मैंने याद है लास्ट मंडे आप लोग को छिछोरे कलेक्शन जब बता तब बोला था नेक्स्ट मंडे हम ड्रीम गर्ल की बात करेंगे, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी. एंड हियर आई एम मैन, सेंसर रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती मेरा भाई. सेंसर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कौन सी पिक्चर चलेगी कौन सी धुल जाएगी. एंड आने वाले दिनों में भी मैं आपको सेंसर रिपोर्ट के बाद ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन सी फिल्म चलने वाली है कौन सी डूबने वाली है. एंड आयुष्मान खुराना की ये हाईएस्ट ओपनर बन जाती है ड्रीम गर्ल 44.57. कांग्रेचुलेशंस आयुष्मान खुराना, यू आर द लीडिंग एक्टर टू बिकम अ सुपरस्टार ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन क्या, ये जनरेशन में तुमने एक अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली है. योर जर्नी फ्रॉम एमटीवी रोडीज टू ड्रीम गर्ल इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी. Okay guys, as always, stay cool man.